एग का कलेक्शन आप करते हैं तो इधर ही यहीं पर रख दिया जाता है। एग कलेक्शन हुआ है, ये देखिए अंडे इकट्ठा किए गए हैं और अंडों अंडों की सफाई करके गेट वाइज लिख के हैचरी में आप डालेंगे। इधर इकट्ठा किए जा रहे हैं, शायद आज का ही रहेगा, आज का ही, आज का भी आज का ही है। इस समय कितना टाइम हो रहा है मैं बताता हूँ। आज 2:46 हो रहे हैं दिन के, 2:46 हो रहे हैं। शायद से दोपहर के पहले का ही एक बार राउंडिंग मार के निकाला गया। हाँ नहीं, अभी अभी अंडा हमको लग रहा है कि एक बल्टा तैयार होगा, हाँ अभी चल रहा हूँ निकलवाऊंगा। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जाके कलेक्ट करते हैं, फिर हैचरी में लेके जाते हैं। ये एक रूम है जिसमें फार्म पर एज कलेक्ट किया जाता है। अगर आप प्रधान जी से चूजा लेना चाहते हैं तो इन मोबाइल नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चूजा मिलेगा। फुल प्रोसेस के साथ मैंने इस वीडियो में दिखाया है, अंडा कलेक्शन से लेकर चूजा निकालने तक का पूरा प्रोसेस आप देखेंगे। और हम लोग सोनाली बर्ड का जो इनका लेंग का सेटअप है वहाँ पर पहुँच चुके हैं बास्केट लेकर के। ये देखिए ब्लू वाली बास्केट है और इसी बास्केट से मैं एग कलेक्ट किया जाएगा। फार्म में घुसते ही एग एक तरफ से एग दिखाई दिए, यानी मुर्गियां बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ हैं और इस तरह से एग आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। और ये फार्म देखिए आप, और अच्छा खासा उत्पादन है दोस्तों, अच्छी खासी मुर्गियां हैं, स्वस्थ। कलर पैटर्न बहुत गजब का है, वाइटनेस का जो है एक आध दो मुर्गियाँ हैं वाइटनेस वाइटनेस करके, बाकी इन्होंने जो ब्रीडिंग का और चूजा निकालने का कलेक्शन जोड़ा है ना, रेड ब्लैक डार्क ब्राउन डार्क रेड डार्क येलो और ब्लैक डार्क ब्लैक ब्राउनिश ब्लैक, एक कलर का कॉम्बिनेशन इनका बहुत ही अच्छा है। और कलर कॉम्बिनेशन के नाते ही मैं बहुत प्रसन्न हुआ इनका सेटअप देख करके। इन्होंने मुझे बताया कि ब्रीडिंग का लेकर के इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब सोचा है और उन मुर्गी मुर्गियों को हमेशा निकाल देते हैं मीट पर्पज़ के लिए जिनका कलर पैटर्न बराबर नहीं रहता है। अब थोड़ा अंडे देने के कारण ये मुर्गियाँ ऐसा आपको जो दिख रही हैं बैठी हुई, ये ताज़ा अंडा दी हैं और अंडा देने के बाद थोड़ा देर मुर्गी बैठती है और इसीलिए ये बैठी हुई हैं। और ये देखिए आप एग का कलेक्शन देखिए। मैंने इनसे बात की थी कि अगर कोई आप बास्केट रख देते हैं डिब्बा रख देते हैं तो अंडे का कलेक्शन अंडा मुर्गियाँ उसमें अच्छे से देती हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि आप अच्छे से देखिए अंडा इस बालू में कितना अच्छा अंडा ये दे रही हैं और कोई भी अंडे का नुकसान नहीं है दोस्तों। और ये देखिए आप कलेक्ट कर लिया गया है ऐसे ही कलेक्ट करते, और पूरे फार्म में ऐसे ही अंडा है चारों तरफ से कलेक्ट करने हम मतलब शुरू किया था। अभी पहला ही जो दरवाजे के पास का ही कलेक्शन चालू है, बस वो अच्छा पूरा फार्म का कलेक्ट करेंगे तो निकलता है अच्छा खासा अंडा निकलता है और इतने अंडे का चूजा जो है सब बिक जाता है। अब आप सोचिए कि चूजों की डिमांड कितनी है प्रधान जी के पास। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये फार्म और इनका ये ब्रीडिंग का सेटअप, तो सोनाली का है इसी तरह से इनके पास ब्लैक ऑस्ट्रोलेब का भी है, इसी तरह से इनके पास कड़कनाथ का भी है, वो भी आप आगे वीडियो में देखेंगे सीरीज आने वाली है। तो इनके पास सारे जो बर्ड हैं उन सभी के बच्चे हैं, इंडिया रनर है, राजहंस है, गिनी फाउल है और सब कुछ है। मतलब इस तरह से अगर आप चूजा लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप इनके यहाँ से चूजा ऑर्डर करें। और अगर आप कांटेक्ट करके आपको थोड़ा लगता है डाउट लगता है तो आप फार्म पे विजिट करें, और फार्म पे विजिट करते समय हमारे चैनल का नाम बताएं और इनको मालूम चल जाएगा कि आप हमारी तरफ से आए हैं, और फिर ये आपको पूरा सेटअप दिखाएंगे और उसी हिसाब से आप इसका यानी एग का और चूजों का ऑर्डर दे सकते हैं। आपको किसी भी साइज़ की मुर्गी चाहिए तो भी आप कांटेक्ट करें डे वन से और ऑल मीट पर्पस तक के जितने भी एज की आप मुर्गी चाहेंगे यहाँ पे उपलब्ध है। मैंने फुल बॉडी वेट और एक दिन के चूजे से उपलब्ध है, अंडे उपलब्ध हैं, मुर्गियाँ उपलब्ध हैं, बच्चे उपलब्ध हैं, 1 महीने की मुर्गियाँ उपलब्ध हैं, अंडे देने लायक हो जाएं वो मुर्गियाँ उपलब्ध हैं, और इसी तरह से आप यहाँ पे आ सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप प्रधान जी के पास आने के बाद पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे और आप निराश नहीं रहेंगे, इतना तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे आने के बाद आप निराश नहीं होंगे। तो
तो आप कहीं भी रहते हैं थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, अगर नई शुरुआत कर रहे हैं तो फार्म पर ज़रूर आएँ, और फार्म पर आ करके खुद सामने से ऑर्डर करके और अंडे बच्चे सब मंगवाएं अपने यहाँ पर। देखो मैंने एक मुर्गी पकड़ रखी है और बहुत ही प्यारी मुर्गी थी, कलर अच्छा लग रहा था और पसंद आया, मैंने पकड़ लिया और फिर छोड़ देते हैं इसको, छोड़ भी दिया। इस तरह से मैं मुर्गा पकड़ना चाह रहा था दोस्तों, मैं मुझसे मुर्गा नहीं पकड़ा गया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं मुर्गा नहीं पकड़ पाया। तो ये है, और फार्म मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये जो ऊपर छज्जा है ना, छज्जे पे भी मुर्गियों ने अंडा दे रखा है, तो ये सबसे अच्छा लगा इनके फार्म का। और सभी एग कलेक्ट करने के बाद ऑर्डर के हिसाब से मशीन में अंडे लगा दिए जाते हैं। ये सोनाली का, कड़कनाथ का, ब्लैक ऑस्ट्रेलिया, गिनी फाउल, इंडियन रनर, राज हंस, और अगर किसी दूसरी ब्रीड का आपको चाहिए, असील का भी मिल जाता है, तो ऑर्डर ये उठा करके एग में मशीन में लगाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मशीन में एग लगा रखे हैं, और मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि इस पे जो कोडिंग की है आपने वो क्या है, तो इन्होंने बताया बत्तख की, कड़कनाथ की, सोनाली की, सबकी कोडिंग है, स्केच से मार्किंग करके इन्होंने लिखा हुआ है, और उसी स्केच के मार्किंग के हिसाब से इनको मालूम चलता है कि ये चूजा, ये अंडा किस चीज़ का है, और ये फिर यहाँ से मशीन में, ऑटोमेटिक मशीन है, एग में लगाने के बाद 18 दिनों के बाद देखिए ऑटोमेटिक चालू करते हैं, मैनुअली कर रहे हैं, और इसको मैनुअली घुमा के भी हमको इन्होंने दिखाया था। आगे इस वीडियो में नहीं रहेगा तो आगे वीडियो में आपको मिलेगा, लेकिन शायद इस वीडियो में भी मैंने ऐड किया है हमारे एडिटर ने, तो ये देखिए हाँ मैनुअली ये घूम रहा है, और अभी ये इस तरफ से रोटेट हो जाएगा। एग रोटेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है पोल्ट्री एग में, और जो तुम्हारा एग का चूजा निकालते हैं उसके लिए, तो एग रोटेट करते हैं, ऑटोमेटिक की मशीन है, 18 दिन के बाद इस मशीन से निकाल करके जिधर चूजा निकालते हैं वहाँ पे ले जाया जाता है, और हम लोग उधर भी चलते हैं देखते हैं कैसा है। आ गए हैं हम लोग, और बीच में आप ट्रे देख लीजिए जिससे हम लोग ये प्रधान जी चूजा सप्लाई करते हैं, ये वाला ट्रे है, और ये एक अच्छा ट्रे है, कोई रिस्क नहीं रहता कि आपका चूजा डैमेज हो जाए, तो ट्रे भी अच्छा है इनका। और ये देखिए चूजा चालू हो गया है, आप देख सकते हैं, देख अभी न्यू न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न बच्चे हैं, हाँ से निकल रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये कड़कनाथ है, कड़कनाथ का वर्ड है, मैं सही पहचान रहा हूँ, हाँ ये कड़कनाथ, थोड़ा सा दिखाया मैं सही पहचाना, चूजा कड़कनाथ का है, चूजा देख के मुझे इस बात की खुशी है, मैं कब से कम पहचान बिल्कुल सर, कड़कनाथ के चूजे हैं, और अन्य के भी चूजे उपलब्ध है, ये कड़कनाथ है, चूजा निकल रहा है, आप देख रहे होंगे, और इसी तरीके के हैं चूजे, और ये चूजे थोड़ा बड़े होते हैं, आप देख लीजिए काफी बड़ा होता है, ये थोड़ा सा बड़ा है कड़कनाथ के, ये रहा कड़कनाथ, और ये दूसरा वाला ट्रे जो है वो ब्लैक ऑस्ट्रेलिया का है, ये देखिए प्रधान जी ने अभी चूजा दिया है, ये चूजा बड़ा होता है उस वाले, हाँ, से बहुत काफी बड़ा होता है, और मुझे लगता है कि इसको ट्रे में फिर से डाल देना चाहिए, क्योंकि मशीन इसकी माँ जैसी है, और हाँ, अभी तुरंत का पैदा हुआ बच्चा है, ऐसे सोनाली है नीचे, इसी तरह से सारे बिल्ड के अपना चूजे लगे हुए, हाँ बच्चे निकले हुए हैं। और जब चूजे बड़े मशीन से निकल जाते हैं थोड़ा सा, तो उनको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया जाता है। अब आप देखिए कि ये जो चूजे हैं ये कितने स्वस्थ चूजे हैं, और यहाँ पर इकट्ठा करके रखा जाता है, और अगर ब्रीडिंग बराबर नहीं होती तो आप यहाँ पर देखते कि ये चूजे एक दूसरे को दबाए हुए रखते हैं, क्योंकि तो सर्दी का भी थोड़ा मौसम है, और यहाँ से फिर सप्लाई के लिए निकाला जाता है। प्रधान जी के पास चूजा, बच्चा, अंडा और मुर्गी प्लस आपका उसका दाना भी, भिंकर वगैरह भी सब उस टाइम दाना भी रहा है, और भी है, दाना भी मिल रहा है, और बड़े और आप बिल्कुल निशंक प्रधान से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले अभी वीडियो बाद में बहुत लोग पर भाग भी आते रहते हैं, सबसे पहले अपना कॉन्टेक्ट है, जल्दी से जल्दी क्या आप सबको कराते हैं, क्या कस्टमर है, कैसे कॉन्टेक्ट करें, हमारा मोबाइल नंबर है 99 45 5482, और दूसरा मोबाइल नंबर है
9834932932 या और नंबर हमारे पास चार नंबर चलता है, तो एक तीसरा नंबर है 7009761173 और चौथा नंबर है 97160262, और चार नंबर हमेशा खुले रहते हैं, तो 2400 घंटे चाहे जब भी फोन करेंगे फोन उठेगा। कहीं अगर आप व्यस्त हैं किसी बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, फिर जब हम खाली होंगे तो फिर हम कॉल बैक करेंगे। ये कड़कनाथ का ब्रीडिंग सेटअप है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कांटेक्ट कर करके अपना किसी भी ब्रीड का चूजा आराम से आसानी से मंगा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद किसान साथी।